सब्सक्राइब कीजिए टैग अल्टीमेट चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो दोस्तों, टैग अल्टीमेट में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित। आज की वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के पार्टीशन को कैसे हाइड करते हैं और कैसे शो करते हैं, यही जानेंगे इस वीडियो में, तो देखते रहिए। तो दोस्तों जानते हैं आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के हार्ड डिस्क के जो पार्टीशन होते हैं उनको कैसे हाइड और शो कर सकते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इनको हाइड या फिर शो करने की जरूरत क्यों होती है। दोस्तों आपका कोई प्राइवेट डाटा होता है जिसको आप दूसरे को नहीं दिखाना चाहते हैं, दूसरे को शो नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए पार्टीशन को हाइड करने की जरूरत पड़ती है। चाहे आपका कोई भी पार्टीशन हो आप उसको हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त आता है या कोई ऐसा पर्सन आता है और आपका कंप्यूटर छेड़ता है या कंप्यूटर में देखता है कि क्या क्या चीज पड़ी हुई है क्या नहीं, अगर आप उसको अपना डाटा नहीं दिखाना चाहते तो उसके लिए भी आप अपने पार्टीशन को हाइड कर सकते हैं। पार्टीशन हाइड करना एक बहुत ही यूजफुल चीज है दोस्तों, और ये आपको जरूर आनी चाहिए। तो देखते हैं सिस्टम की ओर, चलते हैं अपने कंप्यूटर की ओर और देखते हैं आप अपनी हार्ड डिस्क के पार्टीशन को किस तरीके से हाइड और शो कर सकते हैं। दोस्तों तो देखते हैं आप पार्टीशन को कैसे हाइड और शो कर सकते हैं। सबसे पहले आप मेरी हार्ड डिस्क के पार्टीशन देख लीजिए। देखिए मेरे हार्ड डिस्क में पार्टीशन है 5, CDEFG, 5 पार्टीशन है। अब हमें मान लीजिए हाइड करना है जी पार्टीशन को। देखिए इसको हाइड कैसे करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे दिस पीसी पर। अगर आपकी विंडो 7 है या विंडो 8 है, अगर आपकी विंडो 7 है तो उसमें माई कंप्यूटर लिखा होगा, मेरी विंडो 10 है तो इसमें दिस पीसी लिखा हुआ है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे मैनेज में। मैनेज में जाने के बाद ये मैनेज खुल चुका है। मैनेज में जाने के बाद हम जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में, इस पर क्लिक करेंगे। आपकी हार्ड डिस्क में जितनी भी डिस्क होंगी यहाँ पर सब शो हो जाएंगी। देखिए हार्ड डिस्क के जितने भी पार्टीशन हैं वो सब शो हो चुके हैं। अब हमें पार्टीशन हाइड करना है जी पार्टीशन को। जी पार्टीशन को हाइड करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारी जो ड्राइव है वो यहाँ पर आ रही है। लेकिन आपको इसका एक चीज़ ध्यान जरूर रहे कि इस पर क्लिक रहना आपका बहुत ज़रूरी है, मतलब इसका कलर चेंज होना ज़रूरी है। ये देखिए ये कलर चेंज हो चुका है, ये नहीं है, इसका मतलब सिलेक्ट नहीं है, इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले आपको। ये सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम करेंगे रिमूव। रिमूव कर दिया, यस कर देंगे। अब दोबारा से हम जाते हैं दिस पीसी में और पार्टीशन देखते हैं। देखिए अब मेरे कंप्यूटर में 4 पार्टीशन शो हो रहे हैं। जो जी पार्टीशन था वो हाइड हो चुका है। अब इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अनहाइड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर से हम जाएंगे दिस पीसी में, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम फिर से जाएंगे मैनेज में। मैनेज में जाने के बाद हम फिर से जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट में, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। देखिए अभी ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पार्टीशन हाइड है, हमारा जी पार्टीशन है। अब हम इसको शो करने के लिए, इसको अनहाइड करने के लिए क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर से उसी ऑप्शन में जाएंगे चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स में, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस ड्राइव का जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें, लेकिन मेरा जी था तो मैं जी ही रखूंगा। आप कुछ भी नाम इसमें रख सकते हैं। सेलेक्ट किया, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम फिर से कंप्यूटर में जाते हैं, अपने दिस पीसी में जाते हैं और देखिए मेरा पार्टीशन शो हो चुका है। तो दोस्तों देखा आपने आप किस तरह से पार्टीशन को हाइड कर सकते हैं, ये काफी यूजफुल चीज है और आपके काफी काम भी आएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप आसानी से और अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप पार्टीशन को कैसे हाइड और शो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी ये जानकारी ले सके। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आगे भी आप पीसी और मोबाइल से रिलेटेड कंटेंट को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच जाए आप तक सबसे पहले। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। टैग अल्टीमेट।